Good evening, all the speakers. Our first question for today is, what is the right time to begin with knee deep stretch according to you? Hello everyone. Am I audible to the last people setting? No? Okay, my friend over there is just saying he can't hear me. But I hope my voice is clear and everyone can hear. First of all, thank you very much, all of you, for coming here. And heartiest congratulations to my fellow mates, both Adishree as well as Amok. You have made all of us super, super proud by achieving such brilliant rank. Coming back to your question, when is the right time to start for NEET PG preparation? It depends. I mean, for me, I can share my experience with you all. I like started preparing for NEET PG since 2020 when I joined DAMS. That was a major step, like going forward, preparing for NEET. So it was like 3 years course initially, but then the lockdown hit and as a result, a lot of things got changed. But still, like the first couple of years are too early, I think, to start preparing, especially from the point of view of cracking a MCQ-based exam. I would rather suggest you all to start at least with basic approach to all the first and second year subjects. Start reading the major books which are supposed to be read for all the first couple of year subjects, and then you can slowly progress like to MCQ once you get hold of all the subjects and start thereafter. So for me it was like 2020 when I joined DAMS. It depends when person to person. Some might have even started then or every preparation of theirs since internship and might have cracked this. But I think it's very important to give yourselves time. Journey has to be like ups. Your journey is always filled with ups and downs. Like I am not a person who has got this overnight. I have to work hard all these 3 years. So yeah, that's what I'm doing. हेलो पहले तो आप सभी लोग यहाँ पे आए सच्ची बहुत सारा थैंक यू तुम लोग को एसी के बिना यहाँ पे बैठाया जा रहा है बहुत बड़ी बात है और मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा वैसा है कि आप देखा जाए तो बहुत पहले भी चालू कर सकते हो जितना पहले चालू करोगे उतना अच्छा है बट मुझे लगता है कि सबसे कम पढ़ाई करके आप ज्यादा कर लो तो बहुत अच्छी बात है तो मुझे ऐसा लगा था कि सेकेंड ईयर तक तो बिल्कुल नहीं चालू करना चाहिए सेकेंड ईयर के बाद ही चालू करो सेकेंड ईयर तक तो थोड़ा मजे करो ना तुम लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हो तो 2 साल तो जीने को मिलना चाहिए उसके बाद थर्ड माइनर मुझे लगता है तो पोस्टिंग भी प्रॉपरली चालू हो जाती है तो आप पेशेंट को भी देखना चालू करते हो ना तो आपका मन करता है कि चलो भाई अच्छा करेंगे नीट पीजी में तो थर्ड माइनर मुझे लगता है कि थोड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है तब तुम लोग ऐसे जो भी मैरो डांस भी ज्वाइन कर लेते हो और मतलब फिर थर्ड माइनर थर्ड मेजर से अच्छे से पढ़ो इंटर्नशिप में तुमको पढ़ना ही पड़ेगा तो इतना 3 साल बहुत रहता है मुझे लगता है इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि 3 साल से ज्यादा तुम लोग इसमें मेहनत दो ऑब्वियसली थर्ड माइनर में पढ़ोगे तो तुम लोग को फर्स्ट सेकंड ईयर का पढ़ना पड़ेगा पर फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना मत घुस जाना उस चीज में कि नीट पीजी में क्या पूछते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मैक और फिजियोलॉजी ये सब तो उसमें मन से पढ़ना जब आप नीट पीजी के लिए पढ़ते हो ना तब ऐसा पढ़ते हो कि एग्जाम में क्या आ रहा है वो वाली पढ़ाई अच्छी नहीं है फर्स्ट सेकंड ईयर मन से पढ़ो थर्ड ईयर से थोड़ा चालू करो कि भाई नीट पीजी में क्या पूछा जाएगा उतनी चीजें पढ़ना उससे ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड आई वुड लाइक टू थैंक जीएमसी शो एंड जीएमसी राइस फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी आई हैव अ सिमिलर आंसर टू दीज गाइज आई ऑल्सो सजेस्ट कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में थोड़ा मजे कर लो यार इवेंट्स करो मजे करो घूमने जाओ यहाँ वहाँ घूमो मस्त स्पोर्ट्स में एंजॉय करो कुरुक्षेत्र एंजॉय करो फिर थर्ड ईयर में थोड़ा पढ़ाई को लगो अभी हमारे टाइम की बात अलग थी कि हमको कोविड हिट हुआ तो फिर मैं घर पे था तभी स्टार्ट किया पढ़ाई वगैरह वगैरह बट अगर
थर्ड माइनर से भी सब लोग अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे. सी द थिंग इज कि दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन. सो यू हैव टू कीप स्टडिंग एवरी डे रादर देन स्टडिंग अ लॉट एट वन टाइम. अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली थर्ड माइनर से पढ़ाई करोगे तो बाय द टाइम यू कम टू इंटर्नशिप योर बेस इज रेडी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट यू नो ले द फाइनल ब्रिक्स एंड यू विल क्रैक द एग्जाम. दैट्स व्हाट आई फील. Next question is, what is the desirable sequence of subjects? Like, did you go for the first year subjects first, or did you start with the final year, or were there high yield subjects that you started with first and then went on to the ones that were not that important according to you? For me, it was all, there was never a sequence or a timetable I follow. That also depends on person to person. Like, I never followed a timetable or a sequence which all subjects I should prefer first reading and then move on to other. But it depends. Like, if you go by the weightage of subjects which are asked, like in NEET, it's really important to know there are few certain subjects which cover major chunk of the questions which are like asked in NEET. So that wise, all your second year subjects I feel are really, really important. Like, for example, pharmacology or pathology or microbiology, even obs gyne and PSM, preventive and social medicine. All these subjects are cover most of the things which are asked in your actual exam. So in sare subjects se bhi you can start. There are certain short subjects as well which you get to know about like in final year and stuff. So unka itna weightage nahi rehta. So always plan your studies in a way where you are not giving so much time to all these short subjects, ENT, ophthal included, because eventually inka itna zyada weightage aata nahi exam mein. So if you even cover your basis right, like for example pathology, pharmac, agar tumhara acha hai, micro acha hai, your medicine goes quite smooth, physiology included. All these subjects are basic core to reading medicine going forward. Similarly for surgery, I think if your anatomy is really good, you will find surgery quite interesting to read. So you can break down like these. It's not necessary ki first year ke subjects padhna hai, second year padhna hai, minor ka padhna hai, major ka padhna hai. You can always correlate subjects which have certain important things, which have overlapping topics, subjects, and you can read them as well together. But always your focus should be to read subjects which have quite a high weightage and give considerable less amount of time to subjects that are not so asked or the weightage is not that much. Yeah. Thank you. मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने वो सब्जेक्ट हमेशा पहले किए जिससे मेरी फटती है, क्योंकि जैसे ही टाइम थोड़ा कम आता है ना तो आप उन सब्जेक्ट्स को प्रेफर करोगे जिसको आप जो इतना डर नहीं लगता. तो जैसे मुझे बायोकेम, फार्मैक और माइक्रोबायो, इन सब से मेरी बहुत पड़ती थी, तो मैंने हमेशा वो पहले प्रेफर किया जिससे डराने वाला पार्ट निकल जाए, उसके बाद आप थोड़ा आराम से चिल रह के पढ़ सकते हो. तो और फिर मतलब एक और चीज की, जैसे आप जब भी कोई चीज पढ़ाई चालू करते हो ना तो आपका शुरू में बहुत इनर्शिया रहता है कि यार मन नहीं कर रहा ऐसा करके, तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट ऐसा उठा सकते हो जो ऐसे फ्लो आपका बना दे. मतलब जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट, जैसे मुझे फिजियोलॉजी बहुत इजी लगता है, सबको आई थिंक फिजियोलॉजी इजी लगता है क्योंकि 11th 12th में अपन ने सेम चीजें पढ़ी हुई है. तो उसको अगर आप पहले चालू कर दोगे ना, आपका एक टिक हो जाएगा कि यार एक सब्जेक्ट हो गया, फिर आपको लगता है कि आप एक फ्लो में आ गए. तो चालू कुछ ऐसा करो कि तुम चालू कर जाओ और फिर गंदा वाला पार्ट निकाल लो. जैसे मेडिसिन, मेडिसिन मुझे लगता है कि सबको पढ़ने में इतना मुश्किल नहीं लगता होगा, सबको अच्छा लगता है मेडिसिन पढ़ना, बट फार्मैक पढ़ना ये सब ऐसे बहुत खतरनाक लगता है. तो वो सब चीजें पहले खत्म कर लो और साथ में मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स को थोड़ा कंबाइन करके पढ़ना. जैसे बोल रहा था कि अनाट सर्जरी, मतलब मैंने भी ऐसा ही किया कि हमेशा अनाट करा फिर सर्जरी किया ऑर्थो, ये सब अगर साथ में करते हैं ना तो आपको थोड़ा मजा आता है. जैसे अनाट में आपने नर्व्स पढ़ा कि रेडियल नर्व और ये सब वही चीज आप ऑर्थो में उसकी पालसी पढ़ते तो आपको लगता है कि यार कितना कनेक्टेड हुआ, अच्छा लगा आपको. तो आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ने में ऐसे डिसकनेक्टेड नहीं फील होता. तो ऐसे ये सर्जिकल वाले सारे साथ में पढ़ लिए, मेडिसिन वाले जैसे फिजियोलॉजी, मेडिसिन, पीड्स, मतलब ये तीन सब्जेक्ट्स में हमेशा साथ में पढ़ती थी तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाता है. और साथ में जैसे जो मेडिसिन वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें सिस्टम वाइज पढ़ना मुझे लगा कि बहुत बेनिफिशियल रहा. एज इन मैंने ऐसा किया था, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सबके लिए वर्क करे,
कि फिजियोलॉजी का पल्मोनरी किया, फिर आप मेडिसिन का पल्मोनरी करो, फिर आप फीस का पल्मोनरी करो, तो आपको लगता है कि यार आपने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे पढ़ना सबके लिए मुश्किल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अपना मन नहीं लगता है, तो कुछ करके मैक्सिमम मन लगाने की कोशिश करना कि कैसे आपका मन करे पढ़ने का। तो मुझे लगा कि सिस्टम वाइज पढ़ने से मेरा मन करा तो वैसे बना। इतना ना टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ना फ्लेक्सिबल रखना खुद को। ऐसे शेड्यूल बनाओगे वो फेल होएगा, उसका गिल्ट आएगा, बहुत लूप चालू हो जाता है। फ्लेक्सिबल रखो, जितना तुम पढ़ सको बस मन लगा के ऐसे मन करना चाहिए पढ़ने का, ऐसा वाला चीज करना। इतना वो नहीं करना कि नहीं नहीं आज तो ये करना ही, आज ये वाला करना ही, नहीं मैंने लिखा हुआ था शेड्यूल में कि आज ये करना है, जितना कर सकते हो उतना करो, ऐसा। ये बार में मेरा ये कहना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स राइट, वो ऐसा तुम्हारा फाउंडेशन है, उससे लिंक सारे सब्जेक्ट्स है। अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग रहेगा तो ही तुम आगे का सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हो। तो एज न्यूदेश सेड कि सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाइज भी और फॉर द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी। तो तुम्हारा सेकेंड ईयर पर फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, वेर एज समथिंग लाइक एनाटॉमी जिसमें आई गेस सबकी फटती है, किसी को नहीं आता है, मोस्ट लोग पढ़ते नहीं है या फिर याद नहीं रहता। सो एनाट पे वैसे भी 6-7 MCQs आते हैं, इससे ज़्यादा तो आते हैं नहीं, तो फिर यू कैन फोकस लेस ऑन दोज टॉपिक्स। वेर एज सब्जेक्ट्स लाइक फार्मैक, माइक्रो एंड बायोकेमिस्ट्री आर हाई स्कोरिंग एंड ईजी टू स्टडी ऑल्सो। सो फर्स्ट ये जो लोग अभी लाइक आर इन अंडर ग्रेड स्टिल, लाइक अभी तक फाइनल ईयर नहीं हुआ है, यू शुड फोकस मोर ऑन दोज सब्जेक्ट्स। अगर तुम्हारा ये स्ट्रांग हो जाएगा तो बाय द टाइम यू कम टू फाइनल ईयर, तुम्हारा फाइनल ईयर तुमको अंडरस्टैंडिंग भी बेटर रहेगा, इट विल बी बेटर फॉर यू टू रिमेंबर ऑल्सो दोज थिंग्स। एंड लाइक अदिश्री सेड, कनेक्टिंग द सब्जेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुम जब एनाट पढ़ते हो फिर उसके साथ ऑर्थो या फिर फिजियो और फिर मेडिसिन, इट रियली हेल्प्स। सो सेम थिंग, दैट्स व्हाट आई वांट। So coming to the next question, there are various study resources like NIO, TAMS available and accepted country wise. What do you guys is the ideal and the gold standard study resource for like subject wise as well as the totality? That depends on what you have. Like for me, I took DAMS, so I will tell DAMS everyone to take. There is nothing like gold standard. Because the teacher which teach even in say DAMS or Marrow or Prepladder, I always believe the teachers are really really good, and the content also doesn't matter. If you see this year's NEET paper and take out the 200 questions and recall and everything, so you will find ki 170 180 question koi bhi platform se tum nikal lo, Prepladder se ho, Marrow se ho, DAMS se ho, wo 160 170 questions basic wale sabhi padhate. So there is nothing you will miss out if you do DAMS or if you do Marrow. It is just a thoda sa overhyped thing ki kaun sa apne ko brand kaun sa apne ko app wagera use karna hai for coaching and stuff. I genuinely think for me it was always like ki mere ko face to face classes I was more comfortable with. So initially I started with DAMS because I was like ki chalo har hafte classes honge to I will go attend classes, mere notes bante jayenge. The thing with Marrow which I find is ki you yourself have to be a lot of show a lot of dedication, like you have to sit every day, plan ki kaun sa subjects kitne hours mein kitne din mein complete karna hai, revise karna hai, a lot of the burden comes upon you. So tumhara aage piche ho sakta hai in Marrow. That's why I always thought ki DAMS would be something which would be more suitable to me. But then eventually DAMS, like 2 months into going DAMS, COVID hit and everything was again online only. So nowadays there are hardly any face-to-face classes. They have started it, but people prefer sitting back in their rooms or library, whatever, and doing all the lecture videos and making notes, which is also correct. So for that, you have to show discipline. You have to be, you have to give your time out of your college life and sit each and every day, prepare notes and all. So it depends, but if you ask me, I used DAMS 3 years course right starting from third minor, including a test and discussion which I did twice in 1 year, and apart from that I did Marrow, the plan B, which was
which I took in internship. So it was like a 1 year का course. So basic उसमें test series और ये सब cover हो जाता है. If you ask my personal opinions for test series and question bank, I feel Marrow is way better than DAMS. But notes and all DAMS का better है. देख लो अभी तुम्हारे सेंस में. मुझे भी सेम चीज लगती है. मतलब डैम्स और मैरो में जब भी हम लोग का भी चूज करने का टाइम था तो यही था कि खुद की विल पावर है तो मैरो करो क्योंकि खुद को बैठ के नोट्स बनाना है और खुद की नहीं है, खुद का डिसिप्लिन नहीं फॉलो हो सकता तो जाके डैम्स ले लो क्योंकि आपको एटलीस्ट वीकेंड पे पढ़ाते हैं. अभी मुझे अभी का सीन नहीं पता कि डैम्स अभी क्या चल रहा है. मतलब अभी ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ डैम्स का? सब कुछ ऑनलाइन? अच्छा अभी भी चल रहा है ऑफलाइन. हाँ मतलब लोग अगर प्रेफर कर रहे हैं, अगर तुम लोग को लगता है कि खुद से कर सकते हो डेली थोड़ा शेड्यूल बना के कि भाई आज के 2-3 लेक्चर करना है तो मैरो ले लो. मतलब या मतलब ठीक है जो भी है तुम लोग को अगर ऑनलाइन लेना है तो. बट मुझे दोनों में जो मेजर डिफरेंस लगा ना वो ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा बड़ा डिफरेंस मुझे अब जाके ये लगा कि ये चीज एक फैक्ट है. तुम लोग को पता होगा कि डैम्स के नोट्स इतने हैं और मैरो के नोट्स इतने हैं, ये एक फैक्ट है. तो डिपेंड करता है कि तुम लोग कौन से ईयर में पढ़ना चालू करते हो. अगर तुम लोग मान लो जैसे कुछ लोग हैं जो फाइनल ईयर में चालू कर रहे हैं, भाई अभी तक इतनी शिद्दत नहीं दिखाई पढ़ाई में, फाइनल ईयर में चालू करो. अब तुम अगर मैरो लोगे कि तुम बैठ के पूरे वीडियोस देखोगे, तुम पोस्टिंग भी करोगे तो तुम फाइनल ईयर के एमयूएचएस एग्जाम्स भी दोगे और तुम सोच रहे तुम नीट पीजी भी कर लोगे सारे वीडियो देख के, ऐसा नहीं हो सकता. तुम पूरे वीडियोस नहीं देख पाओगे अगर मैरो का लेते हो तो. अगर तुम फाइनल ईयर में चालू करते हो और तुम्हारे कुछ नोट्स बने हुए नहीं है तो मुझे लगता है डैम्स दे लो. एटलीस्ट दिल में एक तसल्ली होगी कि भाई एक चीज तो मैंने ढंग से कर रखी है. मैरो अगर फाइनल ईयर में चालू करोगे तो मुश्किल रहेगा. पहले से अगर जैसे कुछ लोग मैंने देखा फर्स्ट ईयर के बच्चे लाइब्रेरी में आके मैरो ले रखे हैं वो सब है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है. तुम लोग का एमयूएचएस भी उससे निकल जाएगा, इतना पैसा लगाना है तुम लोग को अगर, सब बहुत अच्छी बात है. बट अगर थर्ड ईयर में चालू कर रहे हो, फोर्थ ईयर में चालू कर रहे हो तो मुझे लगता है कि छोटे नोट्स बहुत अच्छा है. क्योंकि मैंने खुद ने मेरा डैम्स था पूरा, फिर भी मुझे नीट से पहले मेरी इकलौती एंजाइटी इस चीज की थी यार मेरे नोट्स ही खत्म नहीं हो पाएंगे रिवाइज करना. डैम्स के नोट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं. मतलब लास्ट के 2-3 वीक, लास्ट का जो 1 महीने की पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसमें आप मैक्सिमम रिवाइज करना चाहते हो. बट अगर आप मैरो के एक एक चीज को उठा के करोगे तो आपकी बस फटेगी यार, इतना तो मैं रिवाइज कर ही नहीं पाऊंगी. तो मुझे लगता है कि सबसे छोटे से छोटे नोट्स होने चाहिए, तो वो चीज मुझे डैम्स का बेटर लगा. और क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली डैम्स का सॉल्व ही मत करो प्लीज, क्योंकि उसका इंटरफेस इतना खराब है कि पता नहीं कितना नेट चाहिए ना हमारे लाइब्रेरी में उतना नेट आता है. पता नहीं बहुत ही खराब है डैम्स का सब कुछ. और उस पता नहीं ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्या? Only the app part. तो बोल दिया अब तो ठीक है जो भी. हाँ app part. Teachers are amazing, but question bank के लिए मुझे सच्ची लगा कि उसमें इतनी गलतियां हैं. वो बोलेगा कि नीचे दी गई फोटो क्या है और फोटो ही नहीं है. It's so weird. आप इरिटेट हो जाओगे कि आज आपने बैठा है कि पढ़ने के लिए और आप ऐसा कर रहे हो. तो मुझे लगा कि मैरो का क्वेश्चन बैंक के एक्सप्लेनेशंस इतने ब्यूटीफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा है. तो क्वेश्चन बैंक मैरो पढ़ाई मुझे लगता है कि मेरा डैम से करके काम चल गया तो मैं तो बोलूंगी कि डैम्स कर लो ऐसा. तो ऐसा करके और फिर भी मतलब जैसे डैम्स के 2-3 सब्जेक्ट जैसे मेरे टाइम पे मुझे लगा कि हम लोग को लॉकडाउन में 2-3 सब्जेक्ट मेरे वीक थे, एज इन गंदा पढ़ाया. लिटरली 2-3 टीचर्स डैम्स के हैं खराब. ऐसे बोल सकते हैं क्या? अच्छा नहीं पढ़ाया तो मुझे लगा कि मुझे मेरे को मैरो के नोट्स रेफर करने पड़े. मैंने मैरो का पूरा वीडियो देखा ओबीजीवाई का. तो ये चीज तुम लोग थोड़ा बैलेंस आउट कर सकते हो. और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें दोनों लेने की जरूरत है, तुम अपना दोस्तों का भी वीडियोस देख सकते हो, इतना वो नहीं है. तो डैम्स और मैरो में चूज करना है तो ये चीज, पढ़ाई किसी से भी करो पर क्वेश्चन बैंक मैरो बहुत अच्छा है. और कुछ भी करके डैम्स का डीवीटी ले लेना, वो बहुत अच्छा है. डीवीटी एक डैम्स वीडियो क्या है, विजुअल ट्रीट जो भी, वो मुझे लगा कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल था उस चीज के लिए कि लास्ट के 1 महीने में अगर आपको आप पूरे नोट्स पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो डीवीटी पढ़ लोगे ना अगर तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा. तो डीवीटी ले लेना कुछ भी करके, तुम चाहे डैम्स करो, मैरो करो, प्रेपलैडर करो, डीवीटी ले लेना कुछ भी. सो इन दोनों से मेरा अलग है. मैं मैरो यूजर हूँ प्राइमरीली. सो फिर जो अदीश ने बोला वो तो सही है भाई कि मैरो बहुत बड़ा है, उसमें कुछ डाउट नहीं है. हमारे पास प्लान टाइम था सो आई कुड प्लान माय स्टडीज दैट वे. और फिर मैं बाय फाइनल ईयर सब वीडियोस खत्म कर पाया. बट एज शी सेड कि यू नो अगर तुम फाइनल ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं होएगा भाई,
तो उससे अच्छा डैम्स ही ले लो, या फिर प्रेप लैडर भी ले लो. प्रेप लैडर में भी कुछ बुराई नहीं है. सब लोग मैरो या डैम्स ऐसे मत सोचो. प्रेप लैडर इज वेरी गुड. सो इवन मैं, मेरे को इंटर्नशिप में रियलाइज हुआ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे है लाइक एनाटॉमी जो बहुत ज्यादा दिया है यार. मतलब कुछ कभी ना INICT में पूछा है, ना कभी नीट में पूछा है, बस दिया है उससे तुम्हारा यूटी नहीं, तुम PhD कर लोगे भाई एनाटॉमी में. इतना सारा सिखाया, कुछ पॉइंट ही नहीं है उतना पढ़ने में. सो फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स इवन आई शिफ्टेड माई सोर्स फ्रॉम मैरो टू प्रेप लैडर एंड डैम्स. ओके, बिकॉज आफ्टर माई नीट, राइट, देर वर पीपल हु आर पोस्टिंग देयर नीट जर्नी एंड ऑल दैट ऑन यूट्यूब. देन आई सॉ अ वीडियो ऑफ सम गाय फ्रॉम KEM. And he said something really nice, you know, the shorter the source, it is better, because from there you can build on top of it. First, if you read marrow, then in your subconscious, you will never be able to cut down information. Tumko hamesha lagta rahega ki kuch to chhoot raha hai. Instead, if you start with something which is smaller, like dams or probably prep ladder for a few subjects, then you can build on top of it. And as she said, or as Nudesh said, for QBank and test series, definitely marrow is the gold standard as they claim. And definitely uske niche ka jo explanation wagera hai, reading it also helps you a lot for like a few topics. Even if you just don't read the notes and just go straight away and solve the QBank, it's enough. But I would suggest ki the same thing, ki start with a shorter source and then build on top of it. For me personally, for anatomy and biochemistry, I shifted to DAMS, whereas for micro, pharmac, medicine, and anesthesia, psychiatry, and radiology, for these six subjects, I shifted to prep ladder. But मैंने मैरो से इन सबका वीडियोज देखा था, एंड मैरो में जो टीचर्स है उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है. सो तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा रहेगा कि इवन इफ यू जस्ट रीड द नोट्स फ्रॉम DAMS और prep ladder, it will be more than sufficient. So you can do that also. That's what I did. It's up to you guys. One thing just I want to add, matlab tumne agar marrow le rakha hai already, so there is no point in just changing into DAMS abhi just because main bol raha hu ya Adishri bol rahi ki I have used DAMS. Just sabka perspective hai. You can still continue with marrow, and marrow walo bhi, marrow wale teachers faculty bhi sare acche hain, so you will also get benefit from that. Aisa nahi hai ki you can. It's just that if you have good enough time in front of you, or if you are starting early, marrow would be much more easier to do as compared, matlab starting late. Agar tum internship mein marrow start karoge, then it's really impossible to do. So if you have already taken a like subscription of marrow, to wo cancel out karke aaj ke aaj dams nahi lena hai. Aisa nahi. You can continue with marrow, and all those who are taking dams, wo to karenge acha. मुझे लगता है, हाँ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ऐसा सच्ची मत कर लेना कि नहीं, इतना तो नहीं करोगे तुम लोग कि मैरो छोड़ के एक्चुअली डांस पे शिफ्ट हो जाओ. बट अगर मैरो ले रखा है ना, अगर तुम लोग के पास अभी भी वीडियोस देखने बाकी है, तो थोड़ा उल्टा काम करो. मतलब ऐसे देखो कि कौन कौन चीजों के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक्स का वीडियो देखो. क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी है मैरो के जो बहुत उन्होंने अपनी वो करने के लिए कि भाई हमने तो सब कुछ पढ़ा दिया, इसलिए बहुत सारे वीडियोज ऐड कर रखे हैं. तो जो चीज अगर तुम लोग को दिख रहा है, क्योंकि अपन PYQ सॉल्व करते ना, वो चीज पहले से करना कि भाई उससे पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके वीडियो देखो. बाकी सबका देखने का क्या फायदा, क्योंकि वीडियो देखना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो उन्हीं चीजों का वीडियो देखना जो काफी हद तक पूछा गया है. ऐसा actually I have also heard about Ashwini sir in anatomy. He's really really good. Mera personally anat bahut weak tha, so like what I did, like I made my notes from DAMS only, but maine hardly kabhi wo padha tha. Anat ka itna weightage bhi nahi rehta hai ki you have to worry about itna zyada anat ke liye. But I still remember, like before exams, NEET PG exams, मोस्ट सारे फैकल्टी ऑलवेज मतलब ऐसा करते हैं यूट्यूब पे दे यूजुअली पोस्ट 1 hour या 2 hour का वीडियो समराइजिंग ईच एंड एवरी टॉपिक विच आर मस्ट नो टॉपिक्स
तुमने भी देखा होगा फ्री रहते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, तो उसमें मैंने अश्विनी सर का एनाटॉमी किया था. ही टॉट फ्रॉम अपर लिम टू हेड एंड नेक टू एम्ब्रियो हिस्टो ईच एंड एवरीथिंग. सो फॉर मी दैट वाज वेरी सफिशिएंट कि चलो इस बेसिस पे, दैट वाज अ 3 आवर और 4 आवरली वीडियो. उस बेसिस पे आई वाज प्रेटी मच कॉन्फिडेंट कि एनाटॉमी जितने क्वेश्चंस आएंगे एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे. जीआरजी अगेन इन सेकेंड ईयर आई यूज टू टेक पार्ट इन क्विजेस एंड ऑल. तो मैंने उस टाइम पे जीआरजी के जो रिव्यू बुक वगैरह रहते हैं आई हैव स्टडीड दैट, बट आई हैव नॉट अटेंडेड लाइक हिज लेक्चर्स फ्रॉम प्रेपलैडर. एज सच अगर मेरे को बोलो तो आई हैव ऑलवेज फॉलोड वन सोर्स ओनली, डैम्स इज द ओनली सोर्स. उसी की जो भी फैकल्टी अभी मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड सम अदर ये, बट इवेंचुअली अगर तुमको कोई ऐसा पता है किसी पर्टिकुलर टीचर के नोट्स आर, इफ यू हियर इट फ्रॉम योर सीनियर्स एंड दे टेल यू कि हाँ चलो ऑर्थो में देर इज दिस फैकल्टी ऑफ डैम्स और मैरो इज रियली वेरी गुड, यू कैन डू इट. सो देर इज नथिंग लाइक कि मतलब नहीं, मतलब यू कैन गो अहेड विद इट. देर इज नथिंग लाइक कि एक ही सोर्स फॉलो किया तो एक सब्जेक्ट से लिए यू कैन चेंज योर सोर्स. विच एवर टीचर फैकल्टी यू फाइंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड योर थिंग्स, इट्स बेटर टू गो विद दैट. एंड आई पर्सनली डिडंट ऐसा कोई भी फैकल्टी का ऐसा मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ. मे बी अदिश्री विल टेल. मेरे को तो ये दो नाम पता भी नहीं ऑनेस्टली. मुझे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो अच्छा पढ़ा रहे हैं. मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं दो जगह से नहीं पढ़ सकती. तो अगर मैंने किसी एक चीज के नोट्स एक जगह बना रखे है ना तो मैं एक और रजिस्टर नहीं बना सकती क्योंकि मेरे को दो चीज बहुत कंफ्यूजिंग लगती है. तो इसलिए मेरे को जब पता भी चला कि अच्छा पैथो के कौन देवेश मिश्रा सर जो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं जो भी, वो अगर आपने एक चीज के नोट्स बना रखे ना तो उस पर भरोसा करो क्योंकि इन ऑल सब कुछ कवर हो रहा है. वो अलग बात है अगर तुम्हें नोट्स बनाते समय लेक्चर के टाइम पे समझ ही नहीं आ रही उसकी बात, जैसा मुझे हुआ था कुछ सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए आप चीजें चेंज कर सकते हो. पर अगर तुम लोगों ने बना लिया है तुमको समझ में आ गया है पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नोट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर होगी, ऐसा मत करो क्योंकि फिर तुम्हारा वो वाला टाइम वेस्ट हुआ ना. इतना क्या है, मतलब मुझे लगता है सब कुछ हर नोट्स में कवर होगा, इसलिए मत चेंज कर लेना क्योंकि उसने, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब ठीक है करना हो तो करो, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैं दो चीजों से नहीं पढ़ सकती. ऑब्वियसली अगर तुम लोगों ने अभी तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाया, तुमको पता चला है कि जीआरजी जो भी अच्छा पढ़ा रहे तो क्यों नहीं प्रेफर करोगे, अच्छा ही है फिर तो वो. मैंने तो ऐसा इंडिविजुअल क्लासेस तो कुछ किया नहीं है, बट विद सो मेनी न्यू प्लेयर्स कमिंग इनटू द गेम लाइक सेरेबेलम, सम सेरिब्रम और सेरेबेलम, या एंड इवन आलन एंड आकाश आर नाउ स्टार्टिंग देयर पीजी प्रोग्राम. सो लाइक या सो ऑल दीज गाइज आर गोना यू नो ब्रेक अप ऑल दिस डैम्स का पीपल, लाइक फ्यू प्रोफेसर्स हु आर गुड ओवर हियर विल गो टू सेरिब्रम और सेरेबेलम व्हाटएवर. ऐसा तो होएगा ही भाई. तो फिर आई गेस गोइंग अहेड तुमको मल्टीपल सोर्सेज लगेगा ही. अभी तो एक्चुअली गरज नहीं है बिकॉज अभी तक डैम्स मैरो प्रेप या भाटिया तीन चार चीजें थे. सो फिर ऑल द गुड प्रोफेसर्स वेर यू नो कॉन्सेंट्रेटेड इन वन ऑफ दीज क्लासेस, बट नाउ दैट दे हैव ब्रोकन अप फ्रॉम वन अनदर यू माइट हैव टू यूज दिस डिफरेंट सोर्सेस. एंड एज अदिश्री सेड कि सी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द गाय देन ओनली चेंज द सोर्स. Because see, like for me, Marrow ka medicine, for example, Rakesh Nair sir, definitely a wonderful sir. But the thing is, he teaches at a level which is quite high. See, he himself is a nephrologist who is All India rank 1 in NEET, SS and all that. He's super brilliant. Okay, but most of us guys who are in UG, we don't really have that clinical acumen, or you know, we can't just shift from one unit to the other in a beat. So I think. For subjects like that, I shifted to PrepLadder to someone like Deepak Marwa sir, who was, you know, giving much more concise notes in a very much more structured way. So that's the thing. If you don't understand it, please change your source in the beginning. But towards the end, nahi change karna hai. Stick to your source. Once you have, like, matlab ek path liya hai na, bhai, to usi par chalna. ठीक है. लास्ट में होगा कोई तो मेरा friend बोल रहा है कि PrepLadder में अच्छा है या Marrow में अच्छा है या इधर कुछ तो अच्छा है, तो डोंट जस्ट शिफ्ट इट. ओके, यही मेरा कहना है. सो वेरी वेल सेड. नाउ बिगिनिंग विद अमोद सर एंड ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इट, आई वुड लाइक टू आस्क लाइक आर देयर एनी स्पेशल टिप्स यू लाइक टू ऑफर, लाइक हाउ टू मैनेज कॉलेज स्टफ एंड अदर एक्टिविटीज एंड पोस्ट दिस बिकॉज़ एवरीबॉडी नोस
how like the meat PT stuff is so hectic? So, during my third minor and major, right? So I wasn't very serious for studies. That's why I took Marrow actually, because I wanted to free up my weekends. That's the reason actually, so that I can go out and have fun, all that. So I think it's important that you have a balance. Nahi to life stagnant ho jayega. Just tum log library mein padhai karoge to hoega nahi. You need to free up your mind. You need to give time to your friends, family, girlfriends, whatever. So jo kuch bhi hai, so you, college events, everything. So but in all of this, you should not forget what your main goal is. The main reason why you are here in JJ after, you know, slogging your ass and slogging off in undergraduate is because you are here to become doctors, right? So should not leave that path. So keeping studies in mind as the core, I think you should enjoy your life, because may or may not, you might not get the chance to be in a city like Bombay in your PG or anything like that. You might not get the opportunity. See, myself, I'm from a tier 2 city. For me, coming to Bombay was a upgrade, like a big city I wanted to enjoy. And that's why I thought, I need to keep a balance between my studies and my enjoyment, whatever you can say. मुझे भी ऐसा ही लगता है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा मत करना कि पढ़ाई करना चालू करो, नहीं नहीं अब तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, अब किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. अपन से इतने काबिल है नहीं हम लोग कि सिर्फ पढ़ाई कर ले, मतलब बाकियों का पता नहीं, बट इतना नहीं होता. तो बीच बीच में सब कुछ करना पड़ेगा तुमको. और जैसे थर्ड ईयर फाइनल ईयर इंटर्नशिप, मान लो कि ये 3 साल तो तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे या फाइनल ईयर इंटर्नशिप, इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिर्फ पढ़ाई कर पाओगे, तुम लोग को पोस्टिंग भी करनी है, तुमको तुम्हारा लेक्चर भी देखने होंगे कॉलेज के, तुम लोग को तुम्हारा खुद का लेक्चर भी देखना है, तुमको पोस्टिंग भी करनी है, सब कुछ है, और पार्टी भी करनी है ऑब्वियसली. तुम लोग को वीकेंड्स पे बाहर जाना है, फिर डेली भी आपको कहीं कहीं बाहर जाना रहता है, जैसा भी है, बट कुछ भी करके ये मेक श्योर करो कि दिन में एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ो. जैसे पहले बोला था कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा होता नहीं कि आपने 1 वीक नहीं पढ़ा, मान लो आप अगली वीक की जब पहले दिन चालू करोगे ना तो हिम्मत ही नहीं होती. कुछ भी करके डेली थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब बस ये बना लो कि यार मैं इतना तो पढ़ूंगा या फिर ये टॉपिक पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं बाहर चला जाऊंगा, ऐसा. मतलब कुछ भी करके ऐसा मत करना कि यार 2-3 दिन हो गया पढ़ाई नहीं, फिर पढ़ाई से आपका रिश्ता टूट जाता है, आपको फिर मन नहीं करता वापस पढ़ने का. तो कुछ करके वो चीज मेंटेन करके रखना, बाहर जाओ, बट अपने आप को इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना वो सब इंटर्नशिप के टाइम पे करना, क्योंकि इंटर्नशिप में तुम लोग को काम और पढ़ाई दो ही चीज होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है मोस्टली. बट डेली थोड़ा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो शुरू में, ठीक है. There is a perception regarding me कि I am very studious और मैं like first year से बहुत 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 daily basis पे first year to final year, जो लोग मेरे को जानते हैं all my batchmates and all, they feel that कि I study a lot, which is sure I study a lot, but apart from but that is what you are meant to be doing here, like staying away from your family. I mean, I also enjoy, I have my different ways of enjoying. I am not a guy who takes part a lot of takes part in all the college ka events and all. You must have not even seen me before this, I'm pretty sure you mean seeing me for the first time basically here. But simultaneously dono cheeze bhi ho sakti hai, because these two guys have like from first year, I think they have taken part in all the events and all, and still they have got a really really good rank. So it's upon you to balance both sides of it. You should never forget the real reason why you are here, and side by side jo bhi tumhe cheeze pasand hai, koi sports pasand hai, movies dekhna pasand hai, web series dekhna pasand hai, doston ke sath bahar ghumna pasand hai, you can all. So that's what I was saying ki you can always balance both sides of it. पढ़ाई भी कर सकते हो साथ ही साथ में. अभी मेरा फाइनल ईयर तक बेस इतना अच्छा बन गया था कि आई हैव लिटरली नॉट स्टडीड मच इन इंटर्नशिप, येट आई हैव गॉट अ डिसेंट रैंक. सो इट्स लाइक इट्स डिसेंट फॉर मी, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वे बेटर रैंक, बट स्टिल
अगर तुमने फाइनल ईयर तक भी अच्छे से पढ़ाई किया है एंड यू नो द इंटर्नशिप हियर इज टू हेक्टिक सो थिंग्स गेट इजी अपॉन यू स्टिल आई वुड से कि सिर्फ पढ़ाई मत करो 24/7 ऑलवेज स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली फ्रेंड्स व्हाटएवर कॉलेज लाइफ एंजॉय करना भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाएगा थर्ड अटेम्प्ट में हो जाएगा अल्टीमेटली सभी का होना ही है एक ना एक दिन रैंक लगना ही है इट्स नॉट अ बिग डील सो दैट्स व्हाट थैंक यू सर दैट्स द रीजन आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स थैंक यू मैं एक चीज बोलना चाहती हूं प्लीज आई एम सॉरी यार प्लीज मतलब नीट पीजी का जो भी इंपॉर्टेंट है मेरे को ऐसा समझ में आया कि हार्डवर्क इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम देना है जैसे बोला था कि नाट में एक्चुअली 6-7 ही क्वेश्चन आते हैं मैंने बहुत बेकार का टाइम दिया नाट को बहुत और डरमैट को 3-4 दिन लगा के पढ़ रहे कोई फायदा नहीं होता बस स्मार्ट वर्क पढ़ना ऐसे अगर पूरा दिन तुमको टाइम पास करना है तो 2-3 घंटे में नाट निपटा लो ऐसा भी हो सकता है तो स्मार्टली काम करना ऐसा How should one exactly approach mock test and the grand test and you know the question banks on a day-to-day basis and what was your revision strategy in the last few weeks of the preparation? So my internship prep, right? Yeah. So as I have told you guys, my notes and my first base reading was already done before internship. So in the beginning of internship, I took C-batch. I had my OBGYN postings. As you may have heard, it's pretty hectic. And during my first 3 months, I had planned to finish my first reading, but turns out it was a total failure. So by four and a half months, I somehow finished my first reading. And after my first reading, right, I started giving my grand tests. So I think what my approach was, I used to give a grand test. Then what were the three subjects in which I had performed the worst in that grand test? Take for example, I have performed bad in OBGYN, anatomy, and psychiatry. So first I'll read those three subjects. While studying these three subjects, like OBGYN is a big subject, takes about like 4 to 5 days. I'll read that. During that, and one more thing, rather than the QBank, individual QBanks, I would rather suggest you make your own custom modules, which is an option in Marrow, and solve MCQs from there with all the hashtags, because those are the more important ones. Because in Marrow QBank, right, many questions are there simply just because those things are mentioned in the notes. Get what I'm saying? Just because that line is there in the in Marrow notes, they'll give you a question. But that those kind of questions are not usually asked. So I would rather suggest you solve custom modules on a daily basis. Then once you finish one subject, you solve the subject-wise test of that test, like for medicine, or OBGYN. Then once you're done with three subjects, give a grand test. In that grand test, what three subjects you perform the worst, you start reading that the next. So if you make a proper structure in this way, I think you'll cover up all the subjects at least 3 or 4 times. And it will also do one thing. From around 2019, I guess, the type of questions in NEET have changed. Even if you see the recall videos of this year, you'll realize ki, this 5 questions have been discussed in biochemistry. These 5 questions have also been discussed in pediatrics. So it shows that the integration of subjects has become a very vital thing. So I think if you go in this approach, like rather than just, you know, first year mein pehle karunga, fir second year karunga, third year karunga, if you randomize it and, you know, you make a good amalgam of it and put it in your head, it's much better and it will make a solid base for you guys. I guess around 15 grand tests is the bare minimum because it will give you a confidence. Like on the day of the exam, you will feel like you are just going for another grand test. And along with my second reading, I also started solving the previous year questions, which are very, very important. It's just like MUHS. I'm not kidding. NTS people, NTA people, they also have a set of important topics from which they ask questions repeatedly. Like, for example, in biochemistry, they will always ask a question from glycogen storage disorders or lysosomal storage disorders. So I would suggest you guys to make a 20th notebook
of all these topics, which from which one-liners are asked on a regular basis, and keep that for a revision. If a question repeat the question. The question is that how exactly did you, when did you start solving the mock tests and the grand tests, and what was your revision strategy in the last few months? तो मेरा इंटर्नशिप में ऐसा था कि हाँ मतलब वही वाली चीज़ सब लोग का थोड़ा बेसिक यही रहता है कि फर्स्ट थ्री मंथ्स में फर्स्ट रीडिंग हो जाए, एटलीस्ट तीन चार रीडिंग मतलब अपन लोग मान के चलते उतना हो जाए, ऑब्वियसली वो होता नहीं है. बट एक बार फर्स्ट रीडिंग करने के बाद मतलब मुझे मेरे सीनियर्स ने ऐसा बताया गया था कि फाइनल ईयर खत्म होते ही ग्रांट टेस्ट देना चालू कर दो, क्योंकि आपने फाइनल ईयर में काफ़ी चंक ऑफ सब्जेक्ट्स कर लिए जिनका एक अच्छा वेटेज भी रहता है, तो एक ग्रांट टेस्ट तुम लोग जानने के लिए दे सकते हो कि देखते हो भाई प्रेपरेशन से पहले क्या औकात है अपनी, मतलब पता चल जाएगा. फिर आप ऑब्वियसली वही चीज़ की एक रीडिंग खत्म करने के बाद आप ग्रैंड टेस्ट और ये सब दोगे. मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि मैरो का क्वेश्चन बैंक जब अपन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा पता चलेगी. ऑब्वियसली मतलब नोट्स में भी है और कुछ कुछ चीजें वो एक्स्ट्रा भी बताते हैं, पर प्लीज हर एक्स्ट्रा चीज को ऐड मत कर लेना अपने नोट्स में. मैंने बहुत ज्यादा गलती की थी कि मैंने सोचा कि मैं मैक्सिमम नॉलेज को इकट्ठा कर लूंगी और सब कुछ पढ़ के जाऊंगी, बहुत यूजलेस होता है वो. मैरा का क्वेश्चन बैंक बहुत हेल्पफुल उस चीज के लिए रहेगा कि ऑलरेडी तुमने जो पढ़ा हुआ है ना नोट्स में वो कभी सिर्फ पढ़ के याद होता ही नहीं है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल है. तुम जब उस चीज का क्वेश्चन को गलत करते हो ना वो आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाता है. तो क्वेश्चन बैंक को इस उससे करना कि जो मैंने याद किया हुआ वो मुझे याद करना है, नई नई चीजें और ऐड करना है इसलिए मत करना, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तुम्हारा नोट्स मोटा होता जाएगा, खराब होता जाएगा और लास्ट में तुम वो पढ़ नहीं पाओगे, तसल्ली नहीं मिलेगी. तो मुझे लगता है कि कभी इतना ज्यादा ऐड मत करना कि सब कुछ मैं ऐड कर लूँ. और सेम आई थिंक इस चीज सबका सेम है कि पढ़ो, ग्रांटेस दो, गलत हुआ जो जो तुम लोग को लगता है कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है उसको ज्यादा वापस पढ़ो. सब्जेक्ट की पढ़ने के बाद थोड़ा क्वेश्चन बैंक होने के बाद PYQ के होने के बाद तुम वो चीज कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ये सब. मतलब मेरे को अभी ऐसा लास्ट में जाते जाते रियलाइज हुआ कि मुझे उल्टा करना चाहिए था कि PYQ पहले कर लेती मैं, मुझे पता चल जाता कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और फिर मैं नोट्स में उसी चीज को उतना भाव देती. जबकि मैंने बहुत उल्टा किया कि मैंने पूरा सर्जरी पूरा पढ़ लिया, GIT में दो तीन दिन लगा दिए सर्जरी में, लास्ट में पता चलता है कि इतना तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं. तो मुझे लगता है कि PYQ पहले से पता कर लो, वही चीज़ की एक लिख लो ये लिस्ट है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक्स को ज्यादा भाव देना नोट्स में ऐसा. बाकी तो सबका सेम है कि तीन चार रीडिंग करो और ग्रैंड टेस्ट इतने बेयर मिनिमम होने चाहिए, 15 लिटरली उतना, और तुमको ऐसे डिफरेंस फील होता है कि इस ग्रैंड टेस्ट के बाद तुमने जब ये दो सब्जेक्ट पढ़े उसके बाद जो GT दिया आपको डिफरेंस फील होता है, आपको एक लगता है कि यार एक अच्छी चीज हो रही है, आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो. तो ग्रैंड टेस्ट देने से बहुत वो होता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है, रैंक इंप्रूव होता है, बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाता है दो तीन सब्जेक्ट्स करने से. तो GT से डरना मत कुछ भी करके. If I go to the numbers things and all कि कितना GTs मैंने दिया है and the number of questions and all, तो I will be थोड़ा सा scared because I have given a lot of GTs. Right, that's true. Like I started giving all my GTs from 2021 only. Like I was in my minor only, so I had done all my 19 subjects. So it is for those people who have actually covered like 19 subjects at least one. So I started giving GTs at a very earliest phase of my life, but that did not necessarily mean ki I was getting a really really good score and all. It was just a basic start. कि एक्चुअल एग्जाम का फील लेने के लिए, या फिर देख GTs टीच यू टू थ्री थिंग्स. वन इज आई ऑलवेज फील विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू लाइक ब्रेक डाउन योर 200 क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम लाइक 3 hours और 3.5 hours, हाउ टू रिव्यू योर क्वेश्चंस वंस यू हैव गॉन थ्रू ऑल द 200 क्वेश्चंस. एंड इवन आफ्टर गिविंग अ GT इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज दे बोथ सेड कि टू रिव्यू जस्ट GT दे के जस्ट नॉट टू सी कि जस्ट बिकॉज आई हैव परफॉर्म्ड बैड मेक्स नो सेंस, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम यू गिविंग GTs एंड ऑल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि GT देने के बाद यू सेट डाउन विद अ पेन एंड पेपर, मेक डाउन व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू हैव गॉट रॉन्ग, विच पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, विच पर्टिकुलर टॉपिक्स यू हैव गॉट इट रॉन्ग, एंड देन spend the next 3-4 days in revising those topics. I believe that should be your approach. Whenever you give a GT, it's really really important to have a review of the exam ki kaun sa topics mera weak hai, kaun se subjects mere weak hai. 19 ke 19 subjects kisi ke strong nahi hote, mere bhi nahi the. There were a lot of subjects I was not good at, there were a lot of subjects I was really good at. So
GT, giving GT only will give that you idea. Don't be in a ye mat soch ke chalo ki GT dunga, score nahi aayega, to fir again I will go into this cycle of ki not knowing things and how to proceed and all. It's better always to know ki tum kitne pani mein ho. So it will give you a fair idea. Aage, and then question bank and all, you, like I solved DAMS ka question bank, then I also solved Marrow ka question bank. तो क्वेश्चन बैंक एंड ऑल में जो सब सारा स्टफ देते हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि सब कुछ पिट पैट में आना चाहिए. ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव स्टडीड फ्रॉम योर नोट्स एंड हैव ट्राइड सॉल्विंग, इफ यू गेट मोस्ट ऑफ दोज स्टफ करेक्ट, मोर देन इनफ यू आर डूइंग. मतलब नेसेसरीली नहीं है कि यू हैव स्कोरिंग ऑल 90% 100% इन ऑल योर क्वेश्चन बैंक. इवन आई फॉर एग्जाम्पल यूज टू get 60, 70, 75 questions, 75% of the questions correct in all my question bank. So it's more important to have a question ka solving ka ability, rule out options karna kaise hai, kyunki it's not filling the blanks or something like that. Now you have four options, jisme se ek answer. So always ruling out options, which is the best suited option for this question. All these things you have to always keep in your mind rather than just studying. Sirf padhte mat raho notes, साथ ही साथ हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जीटी देते रहो, एसडब्ल्यूटी जो भी अवेलेबल सोर्सेस का जो सब रहता है, एसडब्ल्यूटी क्लास टेस्ट पीएनडी जो सब दे सकते हो देते रहो. इट्स ऑलवेज नाइस टू नो कि तुम्हें कितना आता है, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव. इफ यू डोंट नो कि तुम कितने पानी में हो, क्या तुम्हें इम्प्रूव करना है, यू विल नेवर इम्प्रूव. एंड द लास्ट पार्ट की व्हाट वर माई प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज लास्ट वन वीक, वन मंथ एंड सो. सो बेसिकली मैंने डीवीटी वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया था, एज अदिशी मेंशन डांस का विजुअल ट्रीट जो रहता है, इट्स बेसिकली फॉर दोज हु नो डोंट नो इट, इट्स बेसिकली एक्युमुलेशन ऑफ ऑल 19 सब्जेक्ट्स इन वन प्लेस विथ ऑल द हाई यील्डिंग स्टफ विथ इमेज रिलेटेड एंड स्टफ एंड ऑल द डायग्राम्स एंड ऑल द टेबल फ्लो चार्ट्स एंड एवरीथिंग. सो दैट मेक्स लाइफ अ लॉट ईजियर. लाइक यू कैन एक्चुअली फिनिश दैट इन लास्ट वन मंथ और सो. That also gives you a confidence ki ha 19 subjects ek bar dekh ke ho gaya hai. That was my preparation strategy. Yeah, and why giving GTs is important is one more thing. See, during your internship, right, there will be many phases where you will feel frustrated. Internship heavy ja raha hai, padhai nahi ho rahi hai. Even like you have studied all, like for me, I had studied from third minor. But somewhere in the middle of my Palghar posting, right, I started getting frustrated. For like 15 to 20 days, I stopped studying. But what happened is, out of that frustration, I gave a grand test. And in that grand test, I scored well. So that kind of boosted my confidence. So giving a grand test can also boost your confidence. Not always like, ki, grand test doge to kharab hi aayega. If you have studied well, your concepts are clear, you will do well in your grand tests. सो एंड ऑल्सो हाँ, जैसे न्यूदेश ने बोला कि ग्रैंड टेस्ट देते वक्त ऐसा हो सकता है कि ये ग्रैंड टेस्ट में मेरे को 70% क्वेश्चन करेक्ट है, नेक्स्ट में 75 है, नेक्स्ट में फिर से 75 है. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग स्टैगनेट हो रहे हो. दीज आर अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन, ओके, बट यू आर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग वेल. दिस स्टिल शोज इम्प्रूवमेंट. सो टिल द लास्ट डे, होप फॉर मच मोर इम्प्रूवमेंट एंड कीप ट्राई टू कीप इम्प्रूविंग, ये कहना है मेरा. और जीटीज देते रहो, जीटीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल्सो एज नीरज सेड कि व्हाई एमसीक्यू सॉल्विंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई थिंक कि एमसीक्यू सॉल्व करना इज अ होल डिफरेंट स्किल. ओके, योर इंटेलिजेंस इज वन थिंग एंड योर एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स इज अ होल डिफरेंट थिंग. जस्ट बिकॉज तुमने बहुत चीजें पढ़ी है, तुमको बहुत कुछ आता है, डज नॉट मीन यू विल बी गुड एट सॉल्विंग एमसीक्यूज. दैट्स व्हाई सॉल्विंग एमसीक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू लर्न द नैक of solving MCQs, only then will you excel in exams like NEET or INS. GT को जब review करो ना, मतलब मुझे एक चीज जो मेरी गलती लगती थी, GT को जब भी review करो ना, तो उसी दिन कर लेना, उसी दिन या maximum एक दो दिन में कर लेना, क्योंकि review करते समय ना हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा thought process क्या गलत था और अब क्या सही करना है. अगर तुम दो तीन दिन बात करोगे ना, तो तुम ऑलरेडी भूल चुके हो कि मैंने उस टाइम एग्जाम देते समय क्या सोचा था. उसके आसपास ही कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि या मैंने उस टाइम ये सोचा था, मेरे नोट्स में ये वाला पेज दिमाग में आया, ये नहीं आना चाहिए था, ऐसा ऐसा करके उसी टाइम रिव्यू कर लेना, डिले मत करना उस चीज. थैंक यू सो मच. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, वी ऑल वांट टू नो व्हाट इट्स लाइक टू सिट इन द एग्जाम हॉल एंड हाउ टू मैनेज टाइम व्हाइल सॉल्विंग द पेपर एक्चुअली इन द एग्जाम हॉल.
are any differences in ऑब्वियसली डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील होता है, इतना प्रेशर आपको लगता है. और ये चीज़ एक है कि अपना जब नीट चालू होता है उससे बहुत पहले आप अंदर घुस जाते हो और वो आपको एक खाली स्क्रीन के सामने एक घंटे तक बैठा देते हैं, और वो इतना खराब टाइम होता है ना कि सब लोग बैठ के नींद निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप एंग्शियसली ऐसे पैर हिलाते हिलाते बैठे हो, उठने भी नहीं देंगे, तो वो चीज़ आपका बहुत खराब हो जाता है. तो ये चीज़ थोड़ा मान के चलना कि तुम बहुत अंडर प्रेशर हो गए, बहुत एंग्शियस हो गए, तो थोड़ा माइंड सेट वैसा लेके चलना कि ऐसा होने वाला है, मान के चलो कि तुम खाली बैठोगे, या मान के चलो कि एंजाइटी होगी उस टाइम पे. फिर मतलब तुम लोगों ने अगर जीटीवीटी दिया हुआ है ना, तो तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा. कि जैसे मेरे को हमेशा जीटी देते हुए लगा कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम दिया क्यों है, मेरा हमेशा बहुत बहुत पहले खत्म हो जाता था, रिव्यू के लिए काफी टाइम बच जाता था. तो मैंने फिर वो चीज में थोड़ा इम्प्रूव किया कि नहीं शायद मेरा एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. तो धीरे धीरे तुम्हें जीटी देते देते समझ में आएगा कि तुम लोग क्या गलत कर रहे हो और क्या सही करना चाहिए. जैसे वही चीज मैंने बोला कि मेरा जल्दी जल्दी हो जाता था और मेरा बहुत एक्यूरेसी खराब होता था, तो फिर मैंने समझा कि नहीं मुझे और टाइम देना चाहिए. तो नीट तक आते आते मुझे समझ में आ गया था कि यार रिव्यू में मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है आधा घंटा मैं छोड़ सकती हूँ. मतलब मेरा ऐसा था कि मैं आधा घंटा छोड़ती थी हमेशा कि रिव्यू में उस टाइम पे करूंगी. और रिव्यू करते समय जब तुम नॉर्मल क्वेश्चन को रिव्यू कर रहे हो, आंसर ज्यादा चेंज मत करना. ये बहुत लोगों ने गलती की है, मेरे कुछ दोस्तों ने की, और मैंने सीनियर से भी सुना था, उन लोगों ने ऐसा किया कि यार मैंने उस टाइम इतना ज्यादा सोचा नहीं, नहीं मेरे को अब लग रहा है मेरा ज्यादा दिमाग चल रहा है, चेंज कर देती हूँ, और वो हमेशा गलत हो जाता है, मतलब मोस्टली गलत हो जाता है. तो अगर क्वेश्चन में आंसर तुम लोगों ने देख के मार्क कर रखा है ना, तो खुद पर भरोसा करो कि यार अपन लोगों ने इतना सॉल्व किया हुआ है, अपन लोगों ने देखा कि यार ऑप्शंस है. अगर मुझे लगा मेरा दिल ने कहा कि भाई ये सही है, तो मान के चलो सही होगा. ऐसे ओवर थिंक कर करके कि नहीं नहीं इसने ये भी दिया है, ऐसा एक्स्ट्रा क्यों वर्ड लिखा है, शायद एग्जामिनर से ज्यादा हम स्मार्ट बनना चाहें, बट ऐसा कुछ नहीं है. मतलब भरोसा करना अपने पहले आंसर पे. ऐसा हाँ, जस्ट लाइक अधीश्री सेड, ये बात बराबर है कि जीटी डेफिनेटली हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम, बट द फाइनल डे इज द डी डे, लाइक इट्स ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. फॉर दैट जैसे मैंने किया, मैंने क्या किया कि एक दिन पहले एट अराउंड 8:30 या 9 o'clock आई क्लोज ऑफ माई बुक्स. बिकॉज देखो ये नीट यूजी नहीं है, 3 सब्जेक्ट नहीं है, 19 सब्जेक्ट है. तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है भाई कि तुम लोग पूरी रात में सब कुछ और एक बार देख लोगे. सो आई वुड रादर सजेस्ट कि एक दिन पहले थोड़ा लाइट लो, चिल हो जा, क्योंकि टेंशन का माहौल है भाई, तुम्हारा लाइफ डिपेंड करता है ये एग्जाम पर. सो शांत हो जाओ, मेडिटेट करो, इफ़ यू मेडिटेट वॉच सम मूवी और टॉक टू योर फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट. एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम व्हेन यू गो टू द एग्जाम सेंटर, एज अधीश्री सेड, मेरा तो सुबह 7 o'clock का स्लॉट था, आई हैड टू वेट फॉर लाइक 2 hours बिफोर द एग्जाम एक्चुअली स्टार्टेड. सो उस टाइम पे ना आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर ऑल्सो इन द सेम सेंटर, एंड मेनी ऑफ यू विल ऑल्सो हैव, क्योंकि पवाई वगैरह ये कॉमन सेंटर्स है, उनके साथ आराम से बात करो. You know, don't try to, you know, zone and write 2 hours before the exam itself, because you will fatigue your brain out. Rather, you just chill out for some time, 5-10 minutes before the exam, you zone in, and then while giving your exam, don't see here and there क्या चल रहा है. जैसे तुमने हमेशा grand test दिए है, sincerely focus करके अच्छे से सब options पढ़ के answer mark करो. और जब तुम एक answer mark करते हो, जैसे अधीश ने बोला, खुद पर doubt मत करो यार इतना, पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो और एक बार मार्क किया ना, खत्म. उसके बाद ओवर थिंक करने में कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऑप्शन चेंज कर दिया और फिर गलत आ गया, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर्स यही करते हैं, 4 ऑप्शंस में से 2 कोई भी रूल आउट कर सकता है, और होता खेल 2 ऑप्शंस का. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वंस यू गो एंड चूज 1 ऑप्शन, स्टिक विथ इट. I would like to add just one thing ki like for me there is also one thing called as CBT, pata nahi tumne se kitne logon ne suna hoga. It's a computer based exam test which majorly DAMS conduct karta hai all over India, ya fir sometimes Bhatia and all also conduct. So that is like same to same jaisa exam wala feel tumhe koi ek particular center mein subah subah jaake to sit for 3.5 hours उधर जाके exam solve करने वाला अगर feel चाहिए रहेगा exam से पहले, if you feel anxious about whether I will be able to sit for 3.5 hours or not, this is something which you can try. Like I gave 2-3 CBTs before the actual exam of NEET,
बट उसमें भी ट्राई करो, उसमें दो आते हैं, एक IBQ आता है जो तुम रूम पे बैठ के देख सकते हो, और एक दूसरा ऑप्शन आता है वेर यू कैन एक्चुअली गो टू अ सेंटर एंड गिव योर एग्जाम. सो द सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज फार बेटर. उसमें भी सुबह वाला स्लॉट मिला तो इट्स सिमिलर टू द एक्चुअल एग्जाम जो तुम जाके देने वाले हो. एंड रही बात एग्जाम टाइम में टू हैंडल एंजाइटी एंड ऑल, आई थिंक एज यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, इट आल्सो डिपेंड्स कि फॉर एग्जांपल 200 क्वेश्चंस है जो पहले दो तीन, क्योंकि सबके सेट अलग रहते हैं. इफ द फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस तुम्हारे डिफिकल्ट आ गए एग्जाम में तो तुम्हें ऐसा लगता है यार मैंने पढ़ा भी है कुछ या नहीं पढ़ा है, एक थॉट ब्लॉक आ जाता है, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. तो हमेशा उन क्वेश्चंस में ना स्किप करते जाओ, क्योंकि आउट ऑफ 200 क्वेश्चन नो वन अल्टीमेटली गेट्स 200 करेक्ट. 180, 170, 160 भी आया तो यू गेट अ वेरी वेरी गुड रैंक. सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग सम क्वेश्चन जस्ट मूव अहेड एंड डोंट थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, मूव टू अ सेकंड क्वेश्चन. होता क्या है इफ यू स्टे इन दैट जोन की अरे यार मेरे को पिछला वाला क्वेश्चन नहीं है, तो जो आगे वाला क्वेश्चन आ भी रहा रहेगा ना उसमें भी यू माइट हैव सम डाउट्स की अरे नहीं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम कोई फ्लो में जा रहे हो, एंड जैसा मेरा इस बार हुआ कि माई इनिशियल 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन आर रियली रियली इजी, वो तुम्हारे लक पे भी डिपेंड करता है. तो यू गेट इन टू द जोन, योर एंजाइटी लेवल ड्रॉप्स डाउन, लाइक तुम फील करते हो हाँ यार जो मैंने पढ़ा है वही एग्जाम आ रहा है, तो यू फील कॉन्फिडेंट. एंड देन गोइंग अहेड ऑल्सो यू स्टार्ट टू सॉल्विंग वन बाय वन क्वेश्चन, देखते देखते फिर तुम्हारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं. दिस इज समथिंग विच यू कैन लाइक which you can take forward. And coming back to जो दोनों ने बोला like don't switch the questions option, एक बार जो तुमने I also believe in that basic instinct जो भी आता है तुम्हारा first मार दो. मेरे साथ personally ऐसा हुआ है, I have got 3-4 questions wrong, ऐसे ही बाद में मैंने examiner इतना easy paper क्यों बनाएगा, there should be something mysterious in it, और मैंने अपने 4-5 questions और wrong कर दी. तो eventually when I see back to it कि I think कि हाँ यार ये और I could have done way better than what I have. So keep all these small small things in your mind and all the best. Itna difficult exam hai nahi, itna seriously mat lo. It's just a preparatory talk. Just believe in yourself. That's very important. Believing in yourself. Bhale tumhe aaju baaju kaun kya bol raha hai, don't itna us pe focus se zyada apne aap pe bharosa rakho. Do your thing. Tumhara kaam hai padhai karna. You can do whatever is in your hands. The results are not always, think about things which are controllables and always give your best in whatever you do in life. And I am very sure all of you will get far better rank than what I have achieved. Yeah.